खुदावंद अहमदिया और लजना को ख़ास तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि नौजवानों में नमाज़ों की पाबंदी की आदत डालें। इस उम्र में सेहत होती है और इबादतों का हक अदा हो सकता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें इस तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई है कि जवानी और सेहत की बातें ही हक अदा करते हुए अदा की जा सकती हैं। बुढ़ापे में तो मुख्तलिफ अवारज की वजह से इंसान वो हक अदा नहीं कर सकता जो इबादत का हक है। बहरहाल इंसान को सोचना चाहिए कि खुदा ताला के मुकर्रर करदा फ़राइज़ तो तबीयत पर जबर कर कर भी अगर अदा करने पड़े तो अदा करने चाहिए। कुजा ये कि सहूलतों के बावजूद ये अदा न किए जाएँ। अल्लाह ताला ने जब सेहत दी है तो सेहत का शुक्राना भी खुदा ताला का हक अदा करने के लिए ज़रूरी है और ये हक इबादत से अदा होता है। सेहत का की हालत का शुक्राने के तौर पर इबादतें बजा लाने की ज़रूरत है, नमाज़ों की अदायगी की ज़रूरत है। बस इस तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके बगैर हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। औलाद को भी अपनी इताअत सिखाएंगे, अहदे वफा किया।